हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुशांत सिंह, कैट क्वांट 99.48 परसेंटाइलर। इन दिस वीडियो वी विल लर्न और सॉल्व कैट 2017 टाइम एंड वर्क क्वेश्चन, मेनली पास्ट ईयर क्वेश्चन जो 2017 में दोनों स्लॉट में आए थे। सो विदाउट डिले चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सो ये पहला क्वेश्चन है। सो गाइज, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अपना बेनिफिट ले पाए वीडियो से। सो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो रीड करते हैं साथ में। अ पर्सन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 120 डेज। ही वर्क्स अलोन ऑन डे वन। ऑन डे टू ही इज ज्वाइंड बाई अनदर पर्सन हु ऑल्सो कैन कंप्लीट द जॉब इन एग्जैक्टली 120 डेज। एग्जैक्टली 120 डेज, इट मीन्स दैट जो ये फर्स्ट पर्सन है और ये जो अनदर पर्सन है वो दोनों का इफिशियंसी सेम है। कैसे? क्योंकि ये भी पर्सन 120 डेज में कंप्लीट कर रहा है और ये सेकेंड पर्सन भी 120 डेज में ही काम को कंप्लीट कर रहा है। ऑन थर्ड डेज दे आर ज्वाइंड बाई अनदर पर्सन ऑफ इक्वल इफिशियंसी। इट मीन्स दैट ऑन थर्ड डे द पर्सन हु ज्वाइन हु कैन ऑल्सो कंप्लीट द वर्क इन 120 डेज। दैट्स वाई इफिशियंसी इज सेम। लाइक दिस एवरी डे अ न्यू पर्सन विद द सेम इफिशियंसी ज्वाइन द वर्क। हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। सो कितने दिनों में जॉब को कंप्लीट किया जाएगा? सो ये अपना सॉरी 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 सो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोटल वर्क एज्यूम कर लेंगे। सो टोटल वर्क कितना अज्यूम कर लेते हैं, सिंपल 120 डेज। सारे जगह 120 डेज ही है, इफिशियंसी सेम है। सो हम लोग 120 डेज ही अज्यूम कर लेंगे। 240 डेज भी ले सकते हैं, 360 डेज भी ले सकते हैं 120 का मल्टीपल। बट अगर हम हायर वैल्यू लार्जर वैल्यू लेंगे देन आवर कैलकुलेशन विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। सो वी विल टेक 120 यूनिट टोटल वर्क। इट मीन्स दैट द फर्स्ट पर्सन, मीन्स लेट सपोज फर्स्ट पर्सन इज ए हु कैन कंप्लीट, ए हैज इफिशियंसी 1 यूनिट। सॉरी, सॉरी गाइस, पेन काम नहीं कर रहा था। सो ए का एफिशिएंसी 1 यूनिट होगा। सो क्या बोल रहा है कि फर्स्ट डे ये अकेला खुद काम करता है, मतलब फर्स्ट डे ये अकेला काम करता है तो फर्स्ट डे कितना यूनिट काम होगा, 1 यूनिट। अब सेकेंड डेज व्हाट अनदर पर्सन ज्वाइन विद सेम एफिशिएंसी, लेट सपोज सेकेंड डे बी ज्वाइन किया ए के साथ जो जिसका एफिशिएंसी सेम है। इट मीन्स दैट बी बी का एफिशिएंसी कितना, 1 यूनिट, क्योंकि ए का एफिशिएंसी 1 यूनिट है। सो ऑन सेकेंड डे टोटल वर्क हाउ मच डन, 2 यूनिट। सेम थर्ड डे थर्ड पर्सन डॉट ज्वाइन, सो लेट सपोज सी थर्ड पर्सन सी ज्वाइन। सो हाउ मच वर्क विल बी डन इन थर्ड डे, सो 3 यूनिट, 3 यूनिट। नाउ फोर्थ डे फोर्थ पर्सन ज्वाइन, लेट्स सपोज डी ज्वाइन, डी ज्वाइन। सो ऑन फोर्थ डे हाउ मच वर्क विल बी डन, 4 यूनिट। सो ऐसे चलते चला जाएगा। जस्ट क्वेश्चन से एवरी डे अ न्यू पर्सन विद द सेम इफिशियंसी ज्वाइन द वर्क। इट मीन्स फिफ्थ डे कोई
फिफ्थ पर्सन ज्वाइन होगा, सो पूरा मिला के 5 यूनिट वर्क होगा फिफ्थ डे। सो बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब, मीन्स 120 यूनिट कितने दिनों में कंप्लीट होगा। सो सिंपल ये सारे को ऐड करते जाना है। सो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, 6 डे 6 यूनिट वर्क हुआ, 7 डे 7, ऐसे ही करते 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 जितना डे चक जाए हमको ऐड करके 120 करना है। अब सिंपल सा है, इसको हम या तो मैनुअली ऐड करें जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, नहीं तो एक फॉर्मूला होता है कंजिक्यूटिव सम का, डेट इज एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला है द नंबर हैविंग कंजिक्यूटिव उसका सम निकालने का, द सम ऑफ कंजिक्यूटिव नंबर। ये फॉर्मूला है एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, टोटल कितना 120 क्रॉस मल्टीप्लाई 240। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसको हम सॉल्व करके टू सॉल्व कर लेंगे तो एन का वैल्यू आ जाएगा, नहीं तो हम यहाँ पे एक क्या करते हैं, जब भी कभी इस टाइप का हो, जब कंजिक्यूटिव नंबर या इस टाइप का कोई भी इक्वेशन हो, अगर मुझे एन का वैल्यू निकालना है या फिर एक्स का या फिर कोई भी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो व्हाट वी विल डू, जो ये 240 नंबर है इसके क्लोजेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है हम उसको, वो कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, सो परफेक्ट स्क्वायर 225 है, 15 का स्क्वायर। सो डायरेक्टली हम एन का वैल्यू 15 पुट करेंगे, अब यहाँ पे चेक करेंगे, सो एन का वैल्यू 15 इंटू 16, अब इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, सो 15 16 65 3 69 और 15, सो 0954 11 2 240 सेटिस्फाई कर गया ये। अगर नहीं होता तो हम इसके, सपोज लेट्स सपोज 15 विल नॉट सेटिस्फाइड, तो व्हाट वी विल डू, सो 16 256 होता है 16, ये भी क्लोज है 240 का, तो हम लोग 16 वैल्यू लेते, ऐसे एक दो वैल्यू ट्रायल एंड एरर चेक करके हम लोग फाइंड आउट कर लेते। सो एन का वैल्यू 15 आ रहा है, इट मीन्स डैट जो कितने डेज में काम कंप्लीट होंगे, सो यहाँ पे मैं इरेज कर लेता हूँ, सो टोटल जो डेज लगेगा वर्क को कंप्लीट करने में वो 15 डेज लगेगा क्योंकि एन का वैल्यू 15 आया है, एन 15 आया है मतलब 7 टिल 15 तक हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। मैं एक आपको चेक करके भी बता दे रहा हूँ यहाँ पे, बस 1 सेकेंड, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस ऐसे 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 15 तक। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, हम पेयर पे खेलेंगे, आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या ये सभी चीजें करोगे ना तो वहाँ पे आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएगी, ये पेयर पे हम लोग खेलेंगे। 15 प्लस 1 16, 2 प्लस 14, यहाँ एक पीछे वाला 14 हो गया, ये भी 16। अब ऐसे कितने पेयर बनेंगे, 7 बनेंगे ना, 7 और एक और सा बनेगा, आह 7 7 और प्लस 9 16, 8 एक रिमेनिंग बचेगा, सो 16 इंटू 7, सो प्लस 8, सो 16 7 जा 11 2। अब जो 8 रिमेनिंग बचा वो ऐड कर दिए इसमें, सो हाउ मच 120, सो ये सेटिस्फाई कर गया, 15 को सम किए 120 आ गया। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमल कैन कंप्लीट अ जॉब इन 10 डेज, बीमल कैन कंप्लीट इट इन 8 डेज, अमल बीमल एंड कमल टुगेदर कंप्लीट द जॉब इन 4 डेज,
एंड आर पेड अ टोटल अमाउंट ऑफ 1,000 एज अ रिम्यूनरेशन, मतलब सैलरी वेजेस। इफ दिस अमाउंट इज शेयर बाय देम इन प्रोपोर्शन टू देयर वर्क, देन कमल शेयर इन रुपीज, इट मीन्स कमल का शेयर फाइंड आउट करना है। सो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था इसके वेजेस पे, कि जो वेजेस डिवाइड होते हैं वो रेशियो ऑफ इफिशेंसी कब, जब ऑल द पर्सन आर वर्क टुगेदर, मतलब इसमें तीनों पर्सन वो एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हम उसको रेशियो, इफिशेंसी के रेशियो में वेजेस को डिवाइड करेंगे, प्रोपोर्शनेट करेंगे। सो इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम मेथड से हम लोग टोटल वर्क एज्यूम कर लेते हैं। सो टोटल वर्क, लेट्स सपोज 80 यूनिट, अमल का इफिशियंसी हाउ मच 8, बिमल का इफिशियंसी हाउ मच 10। नाउ अमल, दिस स्टेटमेंट, अमल बिमल एंड कमल टुगेदर कंप्लीट द जॉब इन 4 डेज। सो अमल प्लस बिमल प्लस कमल इंटू 4 इक्वल टू टोटल वर्क। सो टोटल वर्क हमने 80 लिया है, सो 80 दिस इज कैंसिल आउट 20। सो ए प्लस बी प्लस के इक्वल टू 20। अब ए प्लस बी हाउ मच, ए प्लस बी इज 18, सो के विल बी 2। सो के का इफिशियंसी 2, इफिशियंसी ऑफ ए 8, इफिशियंसी ऑफ बी 10। नाउ अब टोटल अमाउंट जो है 1,000 पेड हुआ, एंड वी हैव टू फाइंड कमल शेयर। सो फॉर कमल शेयर व्हाट वी विल डू, सिंपल, इफिशियंसी का रेशियो 2 आउट ऑफ टोटल इफिशियंसी ऑफ ए बी एंड के 20 इंटू टोटल वेजेस, सो 10 100। सो कमल विल गेट 100 रुपीज एज अ वेजेस। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। बस वेजेस में हमको एक बात का क्लियर ध्यान रखना है कि जब सारे पर्सन एक साथ काम करे तो हम लोग इफिशियंसी के रेशियो में वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर वो एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स व्हाट, लाइक सपोज 2 डेज अमल एंड बिमल वर्क, एंड फॉर नेक्स्ट 4 डेज अमल लेफ्ट, बिमल एंड कमल कंप्लीट करता है वर्क को। सो जो अब लेट सपोज कि ए का वेजेस निकालना है, तो ए तो 2 ही दिन काम कर रहा है ना, तो ए जो 2 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, लेट सपोज 8, तो ये 16 यूनिट, तो उसको 16 यूनिट का ही वेजेस मिलेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग जितना वर्क यूनिट एक पर्सन, पार्टिकुलर पर्सन कर रहा है, उसके रेशियो में हम लोग वेजेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर जितने भी पर्सन हैं वो साथ में ही काम कर रहे हैं, मतलब एक साथ स्टार्ट किए और एक साथ ही खत्म कर रहे हैं, उस कंडीशन में जो वेजेस होंगे वो इफिशियंसी के रेशियो में डिवाइड कर देंगे हम लोग। वर्क यूनिट के रेशियो में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वहां पे हम लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो इसलिए उस कैलकुलेशन से बचने के लिए जब ऑल पर्सन आर वर्किंग टुगेदर, उस कंडीशन में हम लोग रेशियो का इफिशियंसी लेकर वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर पसंद आया सॉल्यूशन प्लीज एक लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, वेरी इजी, रीड करते हैं साथ में। अ टैंक हैज इनलेट पाइप एंड एन आउटलेट पाइप। इफ द आउटलेट पाइप इज क्लोज्ड, देन द इनलेट पाइप फिल द एम्प्टी टैंक इन 8 आवर। इफ द आउटलेट पाइप इज ओपन, देन द इनलेट पाइप फिल द एम्प्टी टैंक इज 10 आवर्स। इफ ओनली द आउटलेट पाइप इज ओपन, देन इन हाउ मेनी आवर्स द फुल टैंक इज ऑलरेडी फुल,
बिकम द हाफ फुल, बिकम्स द हाफ फुल, इट मीन्स टैंक फुल है और उसको हाफ फुल करना है कब, जब ओनली आउटलेट पाइप मीन्स एक आउटलेट पाइप ओपन है। सो इस कंडीशन में भी हम लोग वही एलसीएम मेथड ही अप्रोच करते हैं, बस यहाँ पे पाइप एंड सिस्टर्न आ गया, लेकिन मेथड सेम रहता है जो हम लोग नॉर्मल टाइम एंड वर्क के मेथड में करते हैं, जो कोई पर्सन काम कर रहा है उस कंडीशन में, जो हम लोग एलसीएम लेकर टोटल वर्क एज्यूम करते थे, सेम इसमें भी हम करेंगे। सो हम सपोज जो ये टैंक है, लेट सपोज ये जो टैंक है, इसका हम एक एलसीएम मेथड से इसका टोटल वर्क, टोटल टैंक का कैपेसिटी एज्यूम कर लेते हैं। सो लेट सपोज टोटल जो ये वर्क है मतलब टैंक का, वो 10 + 10 × 80 ले लेते हैं, 80 यूनिट। सो ये टैंक का कैपेसिटी लेट सपोज 80 यूनिट है। अब क्या बोल रहा है कि आउटलेट पाइप क्लोज्ड है और इनलेट पाइप, मतलब जो इनलेट पाइप है वो सिर्फ 8 घंटे में टैंक को फिल कर सकता है। तो इनलेट पाइप का हम लोग इफिशेंसी कितना होगा, 80 / 8 मीन्स 10 यूनिट पर आवर इफिशेंसी। नाउ नेक्स्ट, इफ द आउटलेट पाइप इज ओपन देन द इनलेट पाइप फिल द एम्प्टी टैंक इन 10 आवर। अब यहाँ पे आउटलेट पाइप भी ओपन है और इनलेट पाइप भी ओपन है, सो इनलेट माइनस आउटलेट, आउटलेट। अब यहाँ पे माइनस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि आउटलेट पाइप तो वाटर को ड्रेन कर रहा है ना, नेगेटिव में वर्क कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव लिया। सो यहाँ पे इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 80 / 10 = 8। इनलेट का इफिशियंसी पता है 10 - आउटलेट = 8, सो आउटलेट का इफिशियंसी 2 यूनिट हो गया। अब यहाँ पे सपोज मैंने प्लस ले लिया तो यहाँ आउटलेट का इफिशियंसी -2 आ जाता, दोनों कंडीशन में सही है, कोई इसमें ऐसा नहीं कि यहाँ पे माइनस नहीं लिए तो कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्लस ले लिए तो कोई प्रॉब्लम है, दोनों में कोई इशू नहीं है, आंसर सेम ही आने वाला। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि टैंक फुल है, मतलब टैंक पूरा 80 यूनिट फुल है, इसको हाफ करना है, हाफ मीन्स 40 यूनिट। 40 यूनिट इफ द आउटलेट पाइप इज ओपन, ओनली द आउटलेट पाइप इज ओपन, देन इन हाउ मेनी आवर्स द फुल टैंक बिकम हाफ फुल। सो ये फुल टैंक को हाफ करना है कितने घंटे लगेंगे, और ओनली आउटलेट पाइप, सो आउटलेट पाइप का एफिशिएंसी 2 यूनिट, सो 2 यूनिट आउटलेट पाइप का एफिशिएंसी, सो हाउ मच, 20 आवर्स। इन 20 आवर्स आउटलेट पाइप इम्पटी द टैंक टिल कितना, हाफ फुल तक, सो आंसर इज 20 आवर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। सो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय एंड टेक केयर।